आज हमारे पास डेल का लैपटॉप आया है, डेल G3 15 इंच का। इसमें क्या समस्या है कि जब हम चार्जर लगाते हैं तो लैपटॉप का जो चार्जर है उसकी लाइट बंद हो जाती है और लैपटॉप ऑन नहीं होता। और ये हम आपको दिखा देते हैं एक बार, ये हमारा चार्जर है, ये चार्जर में लाइट जल रही है, ये देखिए। और अब हम इसको लगाएंगे, जैसे ही इसमें लगाएंगे तो चार्जर की लाइट एक बार लगाते ही बंद हो जाएगी, ये देखिए। अब हम इसको हटा देंगे, अभी तभी जलेगी जब हम इसको चार्जर को बिजली से प्लग निकाल देंगे और दोबारा लगाएंगे तभी इसमें लाइट जलेगी। ये अब हम चार्जर निकाल के दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये चार्जर की निकली हुई है। अब लगाएंगे वापस से इसको एक बार, ये वहाँ लगा दिया और ये इसमें ये लाइट आ गई। अब वापस से लगाते देखो, वापस से बंद हो जाएगी लाइट इसकी, एक बार ये बंद हो गई। अब हम आप मशीन से भी चेक कराते हैं इसको कि मशीन से जब लगाएंगे तो क्या होगा। तो ये हमारे मशीन है, ये देखिए ये मशीन है। अब हम इसमें लगाते हैं मशीन, जैसे हम लगाएंगे रेड लाइट जल जाएगी इसमें, ये देखिए शॉर्टिंग बता रहा है ये। अब हम इसको निकाल लेंगे जिससे पार्ट्स अंदर डैमेज ना हो। आइए हम इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या ख़राब है। जनरली प्रॉब्लम 19 वोल्ट की शॉर्टिंग की वजह से आती है, तो हम इसका खोल के देखते हैं। इसका स्क्रू वगैरह हम खोल लेते हैं, जब तक मैं पोस्ट कर देता हूँ वीडियो को, स्क्रू वगैरह खुल जाए इसके। बेस हटा लेंगे इसका, सर्जिकल से निकाल लेंगे बेस को आराम आराम से। ये हमारा लैपटॉप है वो खुल चुका है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरह का गेमिंग लैपटॉप है, अब चेक मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे तब चेक हो पाएगा क्या चीज़ इसमें ख़राब है। मदरबोर्ड बाहर निकाल लेते हैं, सबसे पहले वाईफाई की तार हटाएंगे, ये हार्ड ड्राइव अलग हो रही है यहाँ से। ये अब हम लैपटॉप हमारा मदरबोर्ड जो है लैपटॉप का निकलने वाला है बाहर। फैन अलग होगा इसका, इसकी केबल निकाल देंगे, टच पैड की और कीबोर्ड की केबल है ये यहाँ पर।
ये बस हम मदरबोर्ड निकलने वाला है। आराम आराम से मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। हमारा मदरबोर्ड बाहर आ चुका है और स्क्रीन को हम एक बार साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको फिजिकल देखेंगे, कहीं पे कुछ जला हुआ, कहीं पे कुछ फिजिकल हमें कुछ दिख पा रहा है क्या, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो फिजिकल देखने से ही पता चल जाती है, हमें फालतू में चेक नहीं करना होता उसमें। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ फिजिकल इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बाकी हम जो इसके नीचे थर्मल ये लग रहे हैं पन्नी थर्मल पैड वगैरह उसको चेक कर लेंगे एक बार, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आयो कंट्रोलर है ये हमारी, यहाँ पर भी कुछ नहीं है इसमें, इसको वापस से लगा देंगे। रैम अलग कर देंगे इसके एक बार हम, ये रैम हमारी अलग हो गई है। तो फिजिकल तो ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा, एक बार मीटर से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। इसमें 19 वोल्ट में शॉर्टिंग आ रही है, जैसे मैं इसमें लगाता हूँ रेड लाइट हो जाती है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, अब मैं जैसे इसको कनेक्ट करूँगा रेड लाइट जल जाएगी, ये देखिए। तो ये शॉर्टिंग है, तो शॉर्टिंग हमें 19 वोल्ट में शॉर्टिंग मिलेगी जहाँ तक है। तो ये हम देख लेते हैं एक बार, ये 19 वोल्ट में शॉर्टिंग आ रही है हमारी इसमें। ये देखिए 19 वोल्ट में शॉर्ट आ रहा हमारा। तो एक बार हम फिजिकल में देखें, अब हम एक काम करेंगे, इसमें मशीन का एम्पियर कम करेंगे और इसको मशीन से देखें कहाँ से गर्म हो रहा है। सबसे इजी तरीका यही है इसका, क्योंकि हम इस तरह एक कैपेसिटर उठाकर नहीं देख सकते। हम इसका एम्पियर अभी गर्म कम कर लेंगे इसका, ये हमने कर दिया 1.5 एम्पियर लगभग, क्योंकि हम अगर सभी कैपेसिटर उठा के देंगे, 19 वोल्ट शॉर्टिंग है, अगर सारे कैपेसिटर हम उठाएंगे तो हमें काफ़ी समय लगेगा और लैपटॉप रिपेयरिंग में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, मशीन से एम्पियर कम करेंगे, पावर सप्लाई देंगे इसके अंदर, और पावर सप्लाई देने के बाद हम देखेंगे कहाँ पर गर्म हो रहा है। ये हम पावर सप्लाई देंगे, मशीन आ चुका है, इस एरिया में कुछ कुछ हल्का हल्का गर्म हो रहा है। आइए आप, यहाँ पे कुछ हल्का हल्का गर्म हो रहा है इस एरिया में। अब आइए आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार इसमें, ये पेस्ट में इस पर लगा देता हूँ, ये गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा। ये मैंने लगा दिया और एक बार इसका एम्पियर बढ़ा दूंगा, मशीन का एम्पियर एक बार मैं बढ़ा रहा हूँ जिससे वो अच्छे से गर्म हो और हमें पता चल जाए। ये मैंने ऑन किया और मैं इस पर लगा रहा हूँ मशीन को। अब आप देख पाएंगे कि मेल्ट होने लग जाएगा ये वाला पार्ट। ये देखिए मेल्ट होने लग गया ये। ये मेल्ट होने लग गया, धुआं निकल रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। हम अब सीधे ही इसको हटा देंगे, आयरन से इसको हटाते हैं। ये हम इसको आयरन से हटा देते हैं, अभी हमने इसको पूरी तरह हटाया नहीं है, क्योंकि हम कन्फर्मेशन नहीं कि दो कैपेसिटर कौन सा वाला गर्म हो रहा है, तो हमने इसको फर्स्ट वाला ही हटाया और अब एक बार इसको दूर से साफ़ कर लेंगे। अब हम एक बार मीटर से भी चेक कर लेंगे इसको एक बार, ये देखिए इसमें रीडिंग आ रही है 319, मतलब यहाँ पे जो पहले 0 हमारा था 19 आ रहा है, और इसको हम चेक करेंगे, ये देखिए 0 आ रहा है, मतलब यही ख़राब है। इस हिसाब से हमारा लैपटॉप पावर लगाते ही ऑन हो जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं एक बार पावर लगा के इसमें, ये मैं पावर लगा रहा हूँ इसमें यहाँ पर, ये देखिए
लैपटॉप में लाइट भी जल रही है और मशीन एम्पेयर भी लेनी है। पहले यहाँ पर जो लाल लाइट आ रही थी लगाने पर वो बंद हो चुकी है, मशीन में लाल लाइट आना बंद हो चुकी है। जैसे हम इसमें लगा रहे हैं तो लैपटॉप ऑन हो जाता हमारा। ये देखिए यहाँ पर लैपटॉप ऑन हो चुका है और मशीन एम्पेयर ले ली है। आइए हम इसका एक बार डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। एक बार हम इसमें रैम लगा देते हैं। अब हम इसका अच्छे से एक बार डिस्प्ले चेक कर लेते हैं लैपटॉप का। ये मैंने पावर लगाया यहाँ से। ये मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है पावर बटन से। देखते हैं डिस्प्ले। ये देखिए हमारा डिस्प्ले आ गया है। ये गेमिंग लैपटॉप है और अभी इसको हम पैक करेंगे तब ये पूरा चलेगा। तो हमारी दुकान पर गेमिंग लैपटॉप, एप्पल लैपटॉप, सभी तरह के लैपटॉप रिपेयर किए जाते हैं। आपके लैपटॉप में भी किसी तरह की समस्या हो, मदरबोर्ड चेंज करना हो, SSD हो, रैम हो, आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है विनायक कंप्यूटर G73 ग्राउंड फ्लोर रायसर प्लाजा जयपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा मोबाइल नंबर है 8949204743।